Yes. Hi, this is Manara Chopra and you're watching me on Filmy Window. Welcome to Filmy Window. Manara, top 3 mein pahunch kar kaisa lag raha hai? I'm very happy and I'm celebrating with my friends here, with my family and friends here. जो मेरी जर्नी में बिग बॉस की जर्नी जिनके साथ स्टार्ट हुई थी, मेरी फैमिली थी और कुछ कपल ऑफ फ्रेंड्स थे जिनकी वजह से ये हुआ, तो आज उन सब के साथ मैं इधर आई हूँ एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी. आई फील ब्लेस्ड एंड आई थिंक बिग बॉस की जर्नी मेरे लिए बहुत खूबसूरत थी. बाहर आते साथ आपको लोगों का इतना प्यार मिला, इस पर क्या कहेंगे? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे लोगों का इतना प्यार मिला. आई होप कि आगे मैं बहुत सारा काम करूं और अपने काम से लोगों को और एंटरटेन करूं और पर्सनली भी लोगों से टच में रहूं. आपको क्या लग रहा था कि विक्की भैया और आपका नाम लिया जा रहा है, और अंकिता ने जो इनसिक्योरिटी चीज़ें की थी उस पर क्या कहेंगे आप? अभी देखो, अब जो भी विक्की भैया और अंकिता जी का मैटर है मेरे को लेकर, अब तो मैं घर से बाहर हूँ, सो आई एम श्योर वो लोग अपना फिगर आउट कर रहे होंगे. और अंकिता जी और विक्की भाई के मैटर में मैं कभी भी पहले भी कुछ नहीं बोल पाती थी, वो अपना खुद देखेंगे. एंड आई थिंक दे आर अ स्वीट कपल. आपके दोस्त मुनव्वर विनर है, कितनी खुश है आप? मैं खुश हूँ. मेरे दोस्त होते हैं तो मैं कभी उनसे ऐसे फील नहीं करती. ऑफकोर्स कम्पेटिटिव होना चाहिए, आपको अपने लिए कम्पेटिटिवनेस बहुत ज़्यादा रखनी चाहिए, बट अगर कोई जीत भी जाए तो उससे मैं कभी भी इस तरह का फैक्टर नहीं रखती कि हाई ये क्यों जीत गया. वो उसके फैंस थे जिन्होंने उनको जिताया है, बट मुझे लगता है कि मैं जीतना बहुत ज़्यादा डिजर्व करती थी. ये मेरा ओपिनियन है, इससे ये नहीं है कि मेरी खुशी कम हो गई उनके लिए, बट मैं डेफिनेटली डिजर्व करती थी क्योंकि मुझे लगता है जितना घर आके मैंने अपनी जर्नी देखी है, मैं काफ़ी रियलिस्टिक थी और मेरा कुछ भी ऐसा काइंड ऑफ नैरेटिव नहीं था शो. किसके साथ दोस्ती करेंगी और किसके साथ नहीं, लेकिन क्यों? पहले तो अभी आई थिंक मैं सबके साथ ही दोस्ती रखना पसंद करूँगी एंड लेट्स सी. आई वॉन्ट टू बी गुड टू एवरीवन. जो मेरे पास आएगा, मेरे घर आएगा, उसको प्यार से चाय तो मनारा हमेशा ही बना के पिलाएगी. आखिरी सवाल, लोग कह रहे हैं कि मुनव्वर से ज़्यादा अभिषेक डिजर्विंग था, इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, मैंने बोला था कि अभिषेक मेरे हिसाब से जीतना चाहिए था, बिकॉज वो बेचारा जैसा भी था, आई एम श्योर उसके साथ भी काफ़ी कुछ हुआ है, उसने भी काफ़ी कुछ दूसरों को झेलवाया है और खुद भी झेला है, तो बट कुछ भी उसके बारे में फेक नहीं था, तो उसके हिसाब से मैंने बोला था कि अभिषेक को मुझे लगता है जीतना चाहिए, इफ नॉट मी. बट मुझे कहीं ना कहीं ये पता था कि मुनव्वर जीतेगा जब अभिषेक और मुनव्वर में रह गया, बिकॉज मुनव्वर का फैन बेस बहुत बड़ा है और उस चीज़ को आप नहीं झुठला सकते. अंकिता टॉप 3 में नहीं आए, इसको लेकर बहुत उदास थी, कल ऐसी बात हो रही तो क्या कुछ कहेंगे इस पर? मुझे नहीं पता, उसके बारे में तो विक्की भैया ही बोलेंगे और उनकी फैमिली बोलेगी, मैं क्या बोलूँगी. ओके, लास्ट मैसेज कोई अपने फैंस से देना चाहें आप? फैंस, थैंक यू, आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मेरी वाइब और मेरी ट्राइब आप बन गए एंड आज मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से. सो थैंक यू मेरे फेस पे स्माइल लाने के लिए. आई लव यू सारंग, यो लव लव.